vlog is going to be my farewell video, which is probably the most requested. मेरे से ज़्यादा आप सबको था कि इसका farewell कब है, तो आज मेरा farewell है. अभी currently मम्मा मेरा बाल ठीक कर रही है, वैसे इतना कुछ ज़रूरत होता नहीं है, बट आज farewell है तो थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ तो करना पड़ता, तो इसलिए ये कर रहे हैं. और आज मैं पहनने वाली हूँ साड़ी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और आई एम गोइंग टू वेयर हील्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. तो या तो फेल होगा या तो पास होगा. नहीं, मैंने बोला है शूज भी रख लेना, और यहाँ से शूज में जाओ और वहाँ पे चेंज हो, ज्यादा बेटर है, नहीं तो फिर पता चला गिरती पड़ती पहुंच रही हूँ. तो साड़ी उधर चली गई, मैं उधर, हील उधर, तो थोड़ा सा वो, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस भी कुछ नहीं किया. नहीं, कभी पहनी नहीं है ना ये हील, तो फिर बहुत दिक्कत होती है. पहनने वाले लोग इतना कैरी नहीं कर पाते हैं, इसने कभी पहना ही नहीं है. तो हील भी अभी हम दिखाएंगे कैसा मैंने मंगाया है शांभवी के लिए, और कौन सी साड़ी पहनने वाली है, और जितनी बड़ी शांभवी है उतनी बड़ी साड़ी. 18 इयर्स पुरानी, लेकिन वो बहुत सुंदर है, मतलब ऐसा नहीं लगता कि पुरानी, बहुत अच्छी है, ब्लैक कलर. और हमारा एक तो फेयरवेल ये स्कूल वाला, उसके बाद हम लोग के मतलब सब क्लासमेट्स, सारे 12th ग्रेडर्स हम लोग मिलके एक और जगह जा रहे हैं, तो वो उसके बाद ही जाएंगे डायरेक्ट. एंड थोड़ा चेंज उसके लिए भी एक ड्रेस रखना है मुझे, एक बेसिकली पूरा बैग अभी पैक करना है जिसमें मैं अपना सामान वगैरह रखूंगी, मतलब चेंज करने के लिए शूज, फिर हील्स, मतलब सब चीज़ें बेसिकली बैग में रख दूंगी. और मैं यहाँ से सिर्फ साड़ी, मैं एक्चुअली वो हील्स इतने देर तक तो मैं नहीं, सो देखते हैं क्या करते हैं, फिलहाल वो देखते हैं. एंड अभी जल्दी से थोड़ा बहुत ये करते हैं, और मुझे गाड़ी से USB केबल लेना है, बिकॉज मैं पावर बैंक लेके जाऊंगी अगर फोन डिस्चार्ज वगैरह हो गया, बिकॉज रिकॉर्डिंग भी करेंगे तो फोन डिस्चार्ज होगा, तो इसलिए आई एम टेकिंग द पावर बैंक, उसका केबल पापा की गाड़ी में, तो वो लेके आएंगे. और यस, विल टेक यू गाइस अलोंग दिस फेयरवेल. And let's see how it goes. I'm very excited. I'm honestly very excited. मैंने 10th का farewell भी vlog किया था, तो meanwhile वो भी जाते हो. I'm just very excited. Don't know what to share. Yeah, see you guys after some time when I'll be getting ready. Hey guys, it's currently 2:00 and I think I should start getting ready. I'll take at least an hour to get ready and then I'll just film some videos, some pretty transitions, and then we will be off to school. Let's see what all is gonna happen today. I'm like so excited. I don't know how many times I've said this in the video, but I swear guys, I'm like excited on another level. So yeah, let's see how the day goes today, and I'll now get ready. I'll wear the sari. I have learned how to wear a sari. Yeah, that's that. And then I haven't really packed my bag yet, which I need to do, and I need to leave home by 3:30-ish or something, because I need to reach school by 4. So yeah, and now first let's just pack the bag. I have the things sorted, but then I need to confirm it with my mom ki matlab aur kya kya cheeze dalni hai usme. We'll do that, and yeah, let's see what we do next. Okay, so this is the bag we are working with. This is a nice tote bag from Stationery Pile. I had already shown you guys this in my stationery haul, I guess, but this is a really nice bag. Iska size bhi theek hai, and this is black, so it would suit my sari as well. And uske baad I might carry another sling bag jo main iske saath leke jaungi, jo main sari ke upar se sling as a carry karungi, but I am not really sure about that, kyunki honestly speaking main pehli baar sari pehen rahi hu, aur mujhe sari मुझसे हैंडल हो जाए ना वही बहुत है. ऊपर से वैसा लगा मैं बैग्स पहनने लग गई तो मेरी साड़ी खतरे में आ सकती है गाइस, सो वी कैन नॉट रिस्क दैट. बट वी आर वर्किंग विद दिस बैग. आई कीप माय क्लोथ्स, सम ऑफ माय लाइक सप्लाइज लाइक कॉम, सम मेकअप. आई एम नॉट गोना डू अ लॉट ऑफ मेकअप एंड स्टफ, बट स्टिल यू नो इट्स फैंसी, सो विल टेक सम मेकअप, एंड देन लेट्स सी व्हाट ऑल वी कीप इनसाइड दिस. आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड. अ फ्यू आवर्स लेटर. So we are all ready for the farewell. This is my sari, a nice black sari. ये मेरी mom की है जो 18 years पुरानी साड़ी है, लेकिन लगती नहीं है बिल्कुल, so pretty. And मैंने ये ऊपर से top पहना है Zara का crop top, which is acting like a blouse. I cannot wear those blouses, मेरे बस के बाहर रहता हूँ सब. And एक बिंदी लगाई है, eyeliner थोड़ा सा lipstick, perfume, these bangles, और yes, we are ready, let's go. All set, and now I'll be leaving for school. This is the bag that I'm carrying, and it has quite a lot of stuff. Mere joote, dusri dress wagera sab cheez isme hai. And then first abhi we are going down, we'll click some good pictures, and after that we'll be going to school, which I am very excited for. Matlab bhai, main har ek video mein wahi bol rahi hu, but ha,
बस है ओके इग्नोर ऑल दोज एक्साइटेड वर्ड्स दैट आई एम यूजिंग कॉन्स्टेंटली बट यस लेट्स गो. अब ये लोग बैंड का प्रेप्स कर रहे हैं और हमें बहुत गर्मी लग रही है. दोनों लड़कियाँ बहुत सुंदर लग रही है. ओके गाइस परफॉर्मेंस हो रही love my kids a lot. We love you too, ma'am. Thank you so much. God bless all of them.
अब मैं फेयरवेल भी खत्म हो गया गाइस, अभी ओके अभी हम अनऑफिशियल आफ्टर पार्टी में मिलने वाले हैं थोड़ी देर में गाइस, फेयरवेल इज ओवर, अभी हम लोग अनऑफिशियल के लिए जाएंगे तो आफ्टर पार्टी, आफ्टर पार्टी, सो वी आर गोइंग टू पहल्स हाउस एंड विल बी गेटिंग रेडी देयर, तो आपको एक फुल ऐसे गेट रेडी विद द गर्ल्स सेशन दिखेगा, ओए बाबा लेट्स गो गाइस, मीट माय फ्रेंड्स, इंट्रो दे दो, इंट्रो सारिका, शी इज अ ब्रिलियंट कथक डांसर, चल रही है अच्छा, अभी अनऑफिशियल पे मिलते हैं, हाय आई एम अनन्या, शी इज अ ग्रेट सिंगर, एचवीएम एग्जाम में थी हमारे साथ, हेलो हाय, अभी हम लोग आए हैं एंड विल चेंज आवर ड्रेस, यस, इन 3 2 का वेट कर रही हूँ, फेयरवेल के लिए गई है स्कूल से, तो देखो मुझे क्या मिला, ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है यार, मुझे कार पार्किंग में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, पूछो ही मत, अभी तो मैं जस्ट अभी कार पार्क के पिछले हाफ एन आवर से मैं इधर उधर घूम रही थी कार पार्किंग के लिए, और अब जाके कार पार्किंग मिली है मुझे, अभी 45 मिनट्स बचे हैं शाम्भवी को पिक करने के लिए, तो फिर मुझे यहाँ थोड़ा काम था दोड़ाबजी में, लेकिन मैं जब ही आई तब दोड़ाबजी बंद हो गया, तो अभी मुझे इधर ही टाइम निकालना पड़ेगा, तो ठीक है अभी मुझे कुछ भूख तो लग नहीं रही है, तो फिर मैं ऐसे ही वेट कर रही हूँ शाम्भवी का।
इट वॉज ओवरऑल अमेजिंग. द होल एंटायर डे वेंट बाय सो वेल एंड बोथ द फेयरवेल, द वन इन माई स्कूल एंड द आफ्टर पार्टी विच वॉज देयर ओवर हियर, बोथ वॉज आउटस्टैंडिंग. इट वॉज सो फन, आई एंजॉयड थरोली. एंड मैक्सिमम लोग इस आफ्टर पार्टी में भी आए थे और बहुत लोग थे तो बहुत मजा आया. मतलब सारे स्ट्रीम से लोग थे, सब लोग थे तो बहुत अच्छा था. एंड आई एम श्योरली गोइंग टू मिस ऑल माई फ्रेंड्स. एंड ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऐसे फेयरवेल का. एंड येस आई ओवरऑल एंजॉयड. टेंथ वाला तो फेयरवेल ही तो था. नहीं वो स्कूल वाला फेयरवेल था, उसमें भी कुछ नहीं हुआ था. फेयरवेल होता है और नहीं, बट ऐसे ग्रैंड वाला फेयरवेल का. ग्रैंड कोविड के तुरंत बाद फेयरवेल दिया था, यही बहुत बड़ी बात. बात तो सही. हाँ फिर कोविड के जस्ट बाद मतलब फेयरवेल दिया, दैट इज बिग थिंग. वो तो है, बट चलो ठीक है. बहुत अच्छा रहा आज का डे. एंड विल एंड द व्लॉग राइट हियर. Thanks for watching. Bye, good night. Good night.